हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि मैं बताया था कि पिछले सेशन में जब छत्तीसगढ़ की सामान्य तन में छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो है लगभग 9 पार्ट में हमें कंप्लीट कवर करा दूँगा गया है, ठीक है। जो आपके मेंस लेवल तक के जो है पढ़ाया गया है, चाहे आप सब इंस्पेक्टर मेंस की तैयारी कर रहे हों, प्री हो, मेंस प्री तो आपका पहला होगा, आप मेंस लेवल तक के जो है CGPSC प्री, पुलिस कांस्टेबल, आपके छत्तीसगढ़ से मान एकदम कंप्लीट आपको जो है कवर कराया जाता है, ठीक है। 9 पार्ट कंप्लीट किया गया है, ठीक है। इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे, जैसे बताया था मैंने, जैसे ख़त्म होती है तो हम छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ यहाँ पर जो है कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा जो है पहला पार्ट होने वाला था, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर जो है जनजातियों के विशेष जो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डाटा से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति। यहाँ पे बता दूँ मैं कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आया। छत्तीसगढ़ सामान्य तन आपके हर सिलेबस उठा कर देखेंगे, चाहे PSC प्री हो, मेंस हो, ठीक है, सब इंस्पेक्टर हो जिसमें प्री मेंस हो गया, और पुलिस कांस्टेबल, व्यापम, जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रही हैं, तो ये जो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कंटेंट तैयार हुए हैं सभी आपके मेंस लेवल तक के जो है कंटेंट को तैयार किया गया है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको लगभग पूरा 100% तो नहीं बोलना, लेकिन 80% क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे। चाहे आप, जैसे अभी मैं छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान में कंप्लीट कवर कराया हूँ, ठीक है, जिसमें 115 क्वेश्चन, ठीक है, अगर पूरा फैक्ट के साथ इसको पढ़ाया हूँ तो मतलब जो है 300 से 400 क्वेश्चन उससे जो बनने वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैं कंप्लीट कवर कर रहा हूँ, ठीक है। खुद से एनालिसिस करके देखिएगा, कहीं भी आप मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा कर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। खुद से जो है उसको रिसर्च करके, एनालिसिस करके, प्रीवियस क्वेश्चन आप लगा के देखिए, ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। चलिए बाकी जो स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ के जनजातियाँ, ठीक है। तो हम छत्तीसगढ़ के ट्राइब के बारे में, छत्तीसगढ़ की जो है हम जनजाति कहाँ पर कौन कौन सी जनजाति है यहाँ पर उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जनजाति अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जनजाति में बात करूं तो अलग अलग प्रकार के जो है छत्तीसगढ़ में जनजाति निवास करते हैं। अलग अलग के उनके रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग उनकी कला और संस्कृति, उनके पेय पदार्थ, ठीक है। तो ये सभी पूरा हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगर बात करूँ मैं छत्तीसगढ़ की जनजाति में, छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ठीक है, तो ये जो अनुसंधान केंद्र कहाँ है छत्तीसगढ़ के, रायपुर में, याद रखिएगा। तो रायपुर में स्थापित है जनजाति अनुसंधान केंद्र, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। जनजातियों का नाम जो है मध्य प्रदेश राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम 2000, ठीक है, इसी के तहत जो है मिला हुआ है। अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है और 161, ठीक है, 161 उप समूह में जो है विभाजित है। 42 प्रकार के छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ जो डाटा पुस्तक में है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो 42 प्रकार के जनजातियाँ पाई जाती है और 161 उप समूह में जो है वर्गीकरण किया है, विभाजित किया गया है, ठीक है। जनजाति संबंधित भारतीय संविधान में, ठीक, जो है कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 342। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आर्टिकल जो अनुच्छेद है 342 हमारे भारतीय संविधान में, ये जनजाति से संबंधित, ठीक है, प्रावधान है अनुच्छेद 342 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जो जनजाति है प्रोटो आस्टियाई प्रकार के यहाँ पे पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के जो बस्तर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर को इसको किस नाम से जानते हैं, तो बस्तर को जो है जनजातियों को भूमि इसको कहा जाता है, क्योंकि बस्तर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये जो है यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की जनजाति यहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसलिए जो है जनजाति को भूमि कहा जाता है बस्तर को। छत्तीसगढ़ विशेष पिछड़ी जनजाति को संख्या यहाँ पर देखेंगे तो 7 है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो है 7 विशेष प्रकार के पिछड़ी जनजातियाँ पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला आपका छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला, जहाँ पे अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सर्वाधिक अनुसूचित सरगुजा में पाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो बस्तर में जो है अनुसूचित जनजाति, ये आपका अबूझमाड़ है, इसको भी याद रख रहे हैं। और बहुत सारी इनकी जो बोली वगैरह भी जो है क्षेत्र के अनुसार बोला जाता है, जैसे भतरी बोली बस्तर में, ठीक है, और कुड़ुक बोली, बहुत सारे जो है गोंडी बोली, इस तरह के यहाँ पे जो है जनजातियों में बोली जाती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो 7 जो विशेष, ठीक है, अगर मैं 7 विशेष जो पिछड़ी जनजाति उसके बारे में यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो विशेष, यहाँ पे जो 5 जो है ये आपका केंद्र सरकार, ठीक है, तो 5 केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, जिसको याद रखना है, ये आपका, ठीक है, कौन कौन से है,
शॉर्टकट लिख रहा हूँ, जगह तो आप समझ रहे होंगे। शॉर्टकट के से आपका अबुझमाड़िया, ऐसे ही आपको याद रखना है। बी से आपका बैगा, के से आपका कमार हो गया, और बी से आपका बिरहोर हो गया, और पी से आपका पहाड़ी कोर हुआ। ठीक है जी, तो पांच जो है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित है और वहीं मैं हमारे राज्य। ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा घोषित दो जनजाति हैं कौन कौन से, एक तो आपका भुंजे जनजाति और आपका दूसरा आपका पंडो। ठीक है, इसको याद रखना है। तो सात विशेष पिछड़ी जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा, पांच जो है अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, राज्य सरकार के द्वारा घोषित जो आपका भुंजे और पंडोप है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के पांच जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। आगे देखेंगे, इसमें जनजातियों का वर्गीकरण भी किया गया है। ठीक है जी, तो वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, वर्गीकरण में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के मूल रूप से राज्य में जो है आदिवासी तीन भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। एक मिनट में, तो पहला आपका जो है मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा आपका जो है द्रविड़ भाषा। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत जो है आती है। वहीं थर्ड में आपका आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे मुंडा जनजाति में आपका जो है कोरकू, कोरवा, खड़िया, मांझी, सौरा, बिरहोर, नगेसिया, सौता। ठीक है, ये सभी जो है मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। वहीं मैं बात करूँ द्रविड़ भाषा परिवार में आपका उराव, परजा, मुड़िया, माड़िया, गोंडी, बुझमाड़िया, धुरवा, कुंद, ये जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। वहीं मैं बात करूँ आर्य भाषा परिवार में ये आपका हल्बी, ये पूछा गया है। ठीक है जी, हल्बी जो है कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। पंडो भी आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। सदरी, भत्री, छत्तीसगढ़ी, कंवर, बिंजवार, भुंजिया, धर्मार, भैना, ठीक है, भैना, बैगा, ये आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो चलिए MCQ सभी क्वेश्चन आपके MCQ फॉर्म में है। सभी जो क्वेश्चन आपसे आना चाहे, मेंस के आप तैयारी भी कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे जो है सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस लेवल तक के कंटेंट को तैयार कर, सभी जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्म में है और पूरा फैक्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, और पिछले सेशन आप छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान नहीं पढ़े होंगे तो जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जनजाति सभी जो क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड है और आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को जो है तैयार हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में उरांव जनजाति, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में उरांव जनजाति जो है निवास नहीं करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आपको यहाँ पे जो खास ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं खासकर जो है हुए हैं कि एग्जाम में बैठे रहते हैं, है और नहीं है को ध्यान नहीं देते हैं, तो जल्दी जल्दी चक्कर में जो है और नहीं को जो है ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन सही होते हुए जो है माइनस मार्किंग में चल देता है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को दो बार पढ़िए लेकिन क्वेश्चन सही लगाइए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती है, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, कबीरधाम। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, कबीरधाम जिला में जो उरांव जनजाति निवास नहीं करती है। मैं बात करूँ यहाँ पे उरांव जनजाति, तो उरांव जनजाति मुख्य रूप से जो है आपका सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़, इन जिलों में खास करके जो है इन क्षेत्रों में जो मुख्य रूप से जो उरांव जनजाति निवास करती है। इनके युवा गृह, ठीक है, युवागृह होते हैं, इसको धूमकुरिया बोला जाता है, जिसके मुखिया को ढांगर महतो कहते हैं। ठीक है, इनके जो प्रमुख देवता है इसको भी याद रखना है, जो इनके प्रमुख देवता है इसको जो है शरण देवी बोलते हैं। ठीक है जी, याद रखिए इनके प्रमुख देवता इसको शरण देवी बोलते हैं। ये नृत्य कई बार पूछा गया है कौन सा नृत्य करके, तो अलग अलग जनजाति में उनके जो है अलग अलग जो है देवी देवता नृत्य होते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सरहुल नृत्य, याद रखिएगा। तो ये सरहुल नृत्य याद रखना है, एक और नृत्य है सरहुल के साथ साथ आपका करवा नृत्य, खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सरहुल नृत्य याद रखना है। तो ये जो सरहुल नृत्य और करवा नृत्य, ये जो है दोनों उरांव जनजाति में है, याद आपको जो है सरहुल नृत्य रखना है, क्योंकि ये जो है बहुत बार 7 से 8 एग्जाम में ये जो है उरांव जनजाति से पूछा गया है। बात करते हैं इनकी बोली, तीन लोग जो है कौन सी बोली प्रयोग करते हैं, तीनों लोग कुरुक बोली प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुरुक है ना, तो ये आपका कुरुक बोली का जो है प्रयोग करते हैं। इनके गाँव के प्रमुख को जो है मांझी बोलते हैं, ठीक है, मांझी बोलते हैं, और इनके जो प्रमुख पर्व है इसको खट्टी सरहुल और फाग जैसे पर्व इन लोग मनाते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ पर्व, ठीक, कौन सा पर्व मनाते हैं,
खट्टी हो गए और ये सरहुल तो इम्पोर्टेंट है, सरहुल हो गया और आपका फाग, ठीक है। ये दोनों जो है, देख खट्टी भी लिख देता हूँ, ये खट्टी करके जो तीनों पर्व ये जो है इसी जनजाति में जो है मनाई जाती है, इनके पारंपरिक जो पोशाक है इसको जो है हम करजा कहते हैं, ठीक है जी। कर्मा त्यौहार जैसे ये जो है, कर्मा त्यौहार जैसे इसी जनजाति में जो है मनाई जाती है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डाटा भी मैं बताऊँगा, विशेषकर जो है सर्वाधिक शिक्षित जनजाति, ठीक है याद रखिएगा। तो उराव जनजाति ये सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो छत्तीसगढ़ में से कौन कौन सी जनजाति जो शिक्षित जनजाति है, तो याद रखिए उरावी जनजाति छत्तीसगढ़ के जो है ये जनजाति शिक्षित मानी जाती है सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूट मिलान टाइप का है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया है। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। जैसे अभी बताया मैंने, तो भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो है घोषित अति पिछड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, आपका इम्पोर्टेंट है। परजा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1 2 3 2 3 4, सी 1 2 4, डी 1 3 4 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे मतलब जो है भारत सरकार केंद्र सरकार के, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर एक तो कमार हो जाएगा, कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा, ये जो है हम जो है 2 3 4 इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4 इसका जो है करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, ये भारत सरकार के द्वारा घोषित ये जो है अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आई जा मतलब पाई जाती है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्न में से कौन सी जो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, अबुझमाड़िया, बैगा, भारिया या उरांव जनजाति, ठीक है। तो अभी देखें विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी नहीं, अबुझमाड़िया पढ़े हैं, बैगा भी पढ़े हैं, भारिया भी पढ़े हैं, बाकी उरांव अभी तक के हम नहीं पढ़े हैं। तो वो कौन सी नहीं है, तो आपका उरांव जनजाति नहीं है, बाकी जो है अबुझमाड़िया, बैगा, भारिया ये जो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं, तो उराव जनजाति आपका नहीं है, ठीक है जी। तो इसका आंसर डी होगा, बाकी जो है तीनों तो आपका करेक्ट है। तो इस तरह डाटा से जहां आपको जो है एक यहां पे जो बोलना चाहूँगा, जहां आप पढ़ते हैं वहां फैक्ट के साथ पढ़ाया जाता है वहां पढ़ा करिए, क्योंकि डाटा से मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको फैक्ट को पढ़ने को मिलता है वहाँ पढ़िए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। चौथा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, मुड़िया, उरांव या बैगा जनजाति, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति, ये हमारी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर मैं गोंड जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति का इसको जो है मूल नाम कोड से तेलुगु भाषा से ये इसका नाम जो है निकला हुआ है। इनके जो बोली होती है याद रखना है, बोली कौन सा प्रयोग करते हैं तीन लोग जो है, गोंडी बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक। गोंडी बोली का इन लोग प्रयोग करते हैं। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो लगभग 56% 56% जो है जनजाति यहाँ पे गोंड निवास करते हैं। गोंड स्वयं को कोयतोर कहते हैं और जिसका अर्थ है यहाँ पे पर्वता जो है रोसी होते हैं, ठीक, पर्वतावासी, क्योंकि लोग जो है जंगल झाड़े में निवास करते हैं। गोंड जनजाति मुख्य रूप से जो है कौन से संभाग में, तो याद रखना है इसका हब बस्तर को कहा जाता है, क्योंकि बस्तर संभाग में जो है ये जनजाति निवास करता है अधिकतर, ठीक है। घर के दीवारों पर डोरा जैसे अलंकरण जो है इन लोग करते हैं। गोंड में एक मृतक संस्कार है, मतलब जो मृतक संस्कार है इसके समय तीसरे दिन कोज्जी व दसवें दिन कुंडा मिलन संस्कार जो है इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि जो है गोंड जनजाति के सर्वाधिक लगभग 41 उप इनकी उपजाति है, ठीक है जी। तो गोंड जनजाति में देखेंगे सर्वाधिक इनकी 41 उपजाति यहाँ पे पाई जाती हैं। और इनका जो है पर्व, तो गोंड जनजाति में पर्व की बात करूँ जैसे मेघनाथ ये पूछा गया है, मेघनाथ जो पर्व है ये कौन सी जनजाति में जो है संबंधित है करके, तो गोंड जनजाति में मेघनाथ पर्व जैसे मानी जाती है। इसी में राजगोंड होता है, ये सबसे श्रेष्ठ गोंड जो है होती है, इसको आपको याद रख रहे हैं। इनकी उपजाति की बात करेंगे तो मुरिया, मुड़िया, माड़िया, दंडामी माड़िया, डोरला, अबुझ माड़िया, इनकी 41 तरह के जो है उपजाति यहाँ पे पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। तो भड़म नृत्य, ठीक है, इसी चैप्टर में, ठीक है, इसी मतलब जनजाति पढ़ते पढ़े छत्तीसगढ़ के जितने भी जनजातियों को जो है कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन सा विवाह किया जाता है, इसमें सभी मैं इसको इंक्लूड करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह भड़म नृत्य कौन से जनजाति में सर्वाधिक प्रिय नृत्य है, या कौन से जनजाति में किया जाता है, कोरबा, उरांव, भारिया या नगेसिया जनजाति, ठीक है। तो ये भड़म नृत्य है कौन सी जनजाति में, ये भारिया जनजाति में देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में भारिया जनजाति निवास कहाँ करती है, तो बिलासपुर, कोरबा, ठीक है, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा जिला, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोग जो है निवास करते हैं भारिया जनजाति, इनके निवास स्थान को
ढाना बोलते हैं, ठीक है। इनके बोली का अगर मैं बात करूं, बोली कौन सा प्रयोग करते हैं, तो एक जो है भरनोटी करके बोली प्रयोग करते हैं, और दूसरा आपको जो है भारयाटी, ठीक है, भरनोटी और भारयाटी जैसे बोली का प्रयोग करते हैं। इनके कुल देवता, इनके जो कुल देवता है क्या बोलते हैं इनके कुल देवता को, तो बूढ़ा देव, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनके कुल देवता को बूढ़ा देव बोलते हैं या नागदेव बोलते हैं। ये बागेश्वर देवता का भी पूजा करते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो देवता है बाघ इनका जो है रक्षा करता है, ऐसा करके इन लोग का जो है कहना है। ये जनजाति जो है सांप, ठीक है, ये जनजाति जो है सांप, मोर, ये जनजाति सांप और मोर के मांस खाने में विशेषकर जो है इन लोग इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। ग्राम सीमा पर मोटवा बाबा का भी चबूतरा इनका जो है बना होता है, एक जो है इनकी रीति रिवाज है, ठीक है, सामाजिक काम वगैरह भी यहाँ पे जो है ये जो है चबूतरा भी बन के यहाँ पे जो है करते हैं, ऐसा करके यहाँ पे जो है माना, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना जो है पाप समझती है, गौड़, मुड़िया, उरांव या बैगा जनजाति? तो कौन सी जनजाति में जो घोड़ा को छूना जो है पाप समझती है या जो है निषेध होता है, मनाही रहते हैं? तो यहाँ पे जो, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हुई, आपका उराव जनजाति नहीं होगा, ये आपका कमार जनजाति, ठीक है। तो इसका आंसर ही जो है आपका कमार जनजाति हो जाएगा। तो कमार जनजाति में घोड़ा छूना जो है पाप समझते हैं या जो एक बैंड रहता है मनाही रहता है, ठीक है, जो है पाप समझते हैं इन लोग। कमार जनजाति का अगर मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर निवास करते हैं, तो आपका गरियाबंद जिले के अंतर्गत बिंद्रनगढ़ देवभोग तहसील में जो है धमतरी जिले में जो इन लोग निवास करते हैं। इनके प्रमुख जो है बांस से संबंधित काम करते हैं, जिसमें झाड़ू टुकनी वगैरह जो बनाने काम करते हैं। इनके पंचायत प्रधान को कुरहा बोला जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका कमारी जनजाति, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक जो है गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका कमार जनजाति है। रायपुर संभाग क्षेत्र की विशेष पिछड़ी जनजाति है, और इसमें मतलब बहुत सारे जो है नियम भी रहते हैं। जैसे इन लोग जो है घर में किसी फैमिली मेंबर का मृत्यु होते हैं तो इन लोग घर का त्याग कर देते हैं, फिर दूसरे जगह जो है निवास करते हैं, ठीक है। बुदरजिया और मकाड़िया करके इनके जो है दो उपवर्ग के जो इनके जनजाति है, और इसमें जो है इसी जनजाति में घोड़ा छूना वगैरह यहाँ पे मना ही रहता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो बाकी चलिए अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, बोरियत लगे आपको, बोर हो जाएंगे। तो बाकी क्वेश्चन जो है सातों क्वेश्चन से हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। जितने भी कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, ऐसा नहीं है कोई भी पढ़ा के यहाँ पे चला जाए, और ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फर्स्ट पार्ट है कैसे लगा, और मिलते हैं अगले पार्ट में, और सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। जो भी आप कमेंट में आप जो है अपने बात भी रख सकते हैं, ठीक है, रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।